कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई। आज ये दावा किया जा रहा है कि अग्निपथ योजना जो है वो सरकार ने नहीं सेना ने लागू की थी। तो आज जब ये किताब अभी आई नहीं है लेकिन इसके मुद्दे इतने हाईलाइट हो चुके हैं अग्निपथ योजना को लेके, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अग्निपथ योजना के बारे में सेना से नहीं पूछा गया, डायरेक्ट ये सरकार के द्वारा लाई गई। तो क्या आपने कुछ समय पहले लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण सुना होगा जिसमें उन्होंने बोला था कि अग्निपथ योजना सेना नहीं ला सकती, नए सेना की सोच हो सकती है। ये योजना कौन लेके आया, एक बार आप एक क्लिप देखिए कि ये जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है, ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। सही साबित हुए अग्निवीर स्कीम पर राहुल गांधी के लोकसभा में दिए बयान पर तत्कालीन पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने ने मुहर लगाई। अग्निवीर योजना आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये सेना पर। दोस्तों मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, जब ये योजना सेना की नहीं थी तो उसको लाया कौन? अगर सेना ने ये योजना तैयार नहीं की गी, तो ये योजना तैयार किसने की गई? क्योंकि आपको पता ही है कि सरकार ने यह बोला था कि यह योजना सरकार ने नहीं सेना ने तैयार की है। जब एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मना कर रहे हैं कि ये हमें थोपा गया, ये हमारे द्वारा तैयार किया हुआ योजना नहीं थी, हम कैसे एक सैनिक की जो है 20,000 रुपए दिहाड़ी मजदूर के बराबर उसकी तुलना कर सकते हैं? कैसे हम 20,000 रुपए में एक सैनिक को भर्ती कर सकते हैं? कैसे उसमें देशभक्ति का जज्बा पैदा कर सकते हैं? उन्होंने 5 साल के लिए बोला था सर्विस भी 5 साल, आखिर कैसे 4 साल कर दी गई? तो बहुत सारे प्रश्न जिनने आपको पता ही होगा कि 5 साल के बाद में ग्रेजुएटी मिलती है, ग्रेजुएटी से भी बच जाएं इसलिए अग्निपथ योजना को 4 साल की कर दी गई। और कमाल की बात देखिए कि कोई भी युवा जो सेना भर्ती की तैयारी कर रहा है वो अपनी आवाज न उठा सके, इसलिए भर्ती से पहले ही आप लोगों को याद होगा नेशनल न्यूज में आ गया था, आपने देख भी लिया होगा कि उसमें एक सरकार ने साफ साफ कह दिया था कि जो भी युवा आंदोलन में पाए गए या जिनकी भूमिका आंदोलन में रही उनको सेना में, उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनको सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। मतलब कि अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। तो कितना बड़ा कदम सरकार ने उठाया ये आप लोगों को जगजाहिर है। आपको पता होगा कि पूरे देश में जब आंदोलन चल रहा था, अग्निपथ योजना लागू हुई, पूरे देश में इसके विरोध के स्वर उठे, तो सरकार ने साफ साफ यह कह दिया था कि जिसकी भी भूमिका इस आंदोलन में होगी उसको सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। उन युवाओं के लिए उन्होंने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़े। और सोचिए कैसे एक आप एक सैनिक की कीमत 20,000 रुपए लगा सकते हैं। और जब इस बारे में बताया गया कि भैया अब आर्मी नहीं, नेवी और एयरफोर्स में भी अग्निपथ योजना लागू होगी, जहां की पूरा डिपार्टमेंट ही टेक्निकल का कई जिम्मेदारियों भरा रहता है, कैसे उनकी 6 महीने में ट्रेनिंग होगी, कैसे उनको इक्विपमेंट्स के बारे में पूरी जानकारी, ट्रेनिंग पूरी हर चीज की, मशीनरी के बारे में जानकारी, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उनको आप डिस्पैच टू यूनिट कर दे रहे हैं, उनकी कैसे हो पाएगा? तो नेवी और एयरफोर्स के लिए तो किसी झटके से कम था ही नहीं, ऐसा बुक में लिखा हुआ है इस अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मनोज नरवणे साहब ने कहा है। अब यह बात अलग है कि सरकार अपनी फजीहत ना हो इसलिए शायद हो सकता है कि इस बुक का प्रकाशन ना करें, लेकिन अब हम लोग अग्निपथ योजना का जो मुद्दा है इसको पुरजोर तरीके से उठाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले जनवरी से मीडिया दिन भर मोदी जी का गुणगान करती रहेगी। यह गोदी मीडिया सिर्फ एक दिन, जहां इसके लिए एल्विस यादव आज ब्लॉग नहीं डालेगा यह खबर नेशनल मीडिया पे आती है, लेकिन इतने बड़े मुद्दे को इन्होंने एक दिन दिखा के उसके बाद में अब इसकी कोई बात नहीं की जाती। यह सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से हम जैसे भूतपूर्व सैनिक या जो आर्मी की तैयारी करते हैं या डिफेंस एकेडमी वाले हैं, सिर्फ वही इस मुद्दे को उठा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी आवाज, बच्चों की आवाज वो है, यानी कि जो युवा साथी हमारे सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनकी आवाज वो लोग हैं, हम लोग हैं। कैसे 3 साल पूरा विश्व ठप रहा, 3 साल की छूट उन्होंने एज में नहीं दी, 2 साल की छूट दी, वो भी सिर्फ 1 साल, उसके बाद में वो छूट भी मना कर दी। और उसके बाद कमाल की बात देखिए, जहां ट्रीटमेंट के लिए 17, 17.5 से लेके 23 साल एज थी, आपके टेक्निकल के लिए 17.5 से लेके 23 साल एज थी, उसको घटा के 21 और कर दिया। 3 साल का तो बेचारों को वैसे ही नुकसान हो गया कोरोना की वजह से, 2 साल और कम कर दी, तो 5 साल। अब जो युवा जिसका सपना है सिर्फ इंडियन आर्मी में आने का हो, उसके लिए कितना बड़ा झटका है, इस दर्द को आप खुद महसूस कीजिए। जब अग्निपथ योजना लागू की गई थी उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि हमारे
हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, अनिल पुरी साहब बयान कर रहे थे, दिखा रहे थे, प्रेजेंटेशन दे रहे थे अग्निपथ योजना की, तब कहा गया कि ये योजना सेना के द्वारा बनाई गई है, तैयार की गई है। लेकिन अब किताब से निकल के आ रहा है कि आखिर ये योजना अगर सरकार ने तैयार नहीं की तो फिर तैयार किसने की? तो क्या राहुल गांधी सही बोल रहे हैं? और दूसरी चीज, आखिर इस योजना का उद्देश्य क्या था? क्या एक सैनिक की पेंशन या एक सैनिक का जो बजट है वो उनको ज्यादा हो रहा था? आपने देखा होगा कि इंडियन आर्मी कोई ऐसी हल्की आर्मी नहीं है, इसका नाम विश्व में बड़े अदब और सम्मान के साथ में लिया जाता है और पूरा विश्व इंडियन आर्मी का डंका समझता है कि इंडियन आर्मी है क्या। और उस आर्मी को आपको बजट इतना चुभ रहा है, उसकी पेंशन इतनी चुभ रही है, तो ये चीज तो आपने बिल्कुल आर्मी को एक प्रकार से दिहाड़ी मजदूर बना दिया है। 4 साल के लिए आप नौकरी कीजिए, उसके बाद जाइए आप घर को। और मेरे को उससे बुरा इस बात का लगता है कि जो हमारे सेना के इतने मतलब माने जाने ऐसे अधिकारी, मतलब जिनका हम बहुत सम्मान करते थे, चाहे वो जनरल वीके सिंह साहब हो, चाहे राजवर्धन सिंह राठौर साहब हो, कर्नल साहब, दोनों का इतना मान सम्मान करते थे, देश को उन्होंने गौरव भी दिलाया, लेकिन आप अग्निपथ योजना का कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, उस फौज का ही आप नमक खा रहे हैं। आज आपकी जो पहचान है सिर्फ फौज की वजह से पहचान है। सोचिए कि अगर आप आर्मी में नहीं होते तो आपको कोई जानता भी नहीं, ना आपको कभी मौके मिलते इतने, ठीक है? उसके बाद आपने उसका नमक खाया और नमक का अब आप यही अदा कर रहे हैं कि सरकार की हाँ में हाँ मिला के उस चीज को बहुत बढ़ावा देके आप बोल रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छी योजना है और ये युवाओं के लिए बहुत फायदेमंद है। क्या फायदेमंद है? क्या पहले जहां 80,000 की भर्तियां होती थी, क्या 1,00,000 भर्ती कर दिया आपने? या देश के सभी युवाओं को आपने मौका दिया कि आओ सेना में भर्ती हो, तुम्हें हम ड्रेस पहनाते हैं और 4 साल के बाद तुम जाओ? क्या तुमने ऐसा किया? ऐसा भी नहीं किया। आज सेना देखिए रिटायरमेंट, अपने टाइम से सब लोग रिटायरमेंट हो रहे हैं, लेकिन उसके बदले जो भर्तियां हो रही है कितनी कम हो रही है। यही नहीं, टीए आर्मी की भर्ती को 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक वहां भर्तियां नहीं हुई है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्यों अग्निपथ योजना थोपी गई और क्यों अभी तक टीए आर्मी की भर्ती नहीं आई है? आखिर जो युवा साथी हमारे सेना भर्ती में एज की वजह से वंचित हो गए हैं, उनके लिए आखिरी ऑप्शन ही टेरिटोरियल आर्मी है। अब जिस बंदे का सपना इंडियन आर्मी में जाने का होगा, उसको दूसरी जगह कोई भाएगा ही नहीं। वो अब बोलता कि अगर ये योजना इतनी खराब है तो लोग फॉर्म क्यों भर रहे हैं? आखिर जाएंगे कहाँ? जिस बच्चे का सपना है सिर्फ ऑलिव ग्रीन ड्रेस पहनने का है, कॉम्बैट ड्रेस पहनने का है, वो जाएगा ही कहाँ? उसके लिए चाहे कुछ भी हो, उसको उसके लिए यही ऑप्शन बचता है, मतलब उसके बाद में कोई चॉइस नहीं है। आप इस बात का डंका मत बजाइए कि अगर ये योजना इतनी खराब है लोग फॉर्म क्यों भर रहे हैं। ठीक है, ये योजना ये कितनी भी खराब हो, लोग इसलिए भर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी ऑलिव ग्रीन से प्यार है, वो बेचारे मजून के साथ कोई ऑप्शन नहीं है भरने के, तो इसलिए फॉर्म भर रहे हैं। इसलिए अपना डंका मत बजाइए कि इसमें हम लोग बहुत सारे युवा फॉर्म भर रहे हैं, युवा अगर नाखुश होते तो क्यों अग्निपथ योजना आती कि। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, तो अब ये भी बात निकल के आ रही है कि आखिर इतने समय चीफ ऑफ द आर्मी स्टार जो हमारे मनोज मुकुंद नरवणे साहब थे क्यों चुप रहे? अब कहीं ये मुद्दा तो नहीं था कि उनको सीडीएस बनना था या उनके सपने थे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के? तो देखिए सपना उसका होता है जो कमजोर हो और जिसको आगे ना बढ़ने के जिसके चांस नहीं हो। जो बंदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, क्या उसकी आप खूबियों या उसकी आपको काबिलियत पे कोई शक है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कोई नॉर्मल रैंक है जो बंदा बन ना पाए, जिसको बनने के लिए बहुत आसानी हो, उस बंदे को किसी चीज से क्या दिखा हुआ है? वो तो उसका दुर्भाग्य है कि जो उसका हक था, तीनों सेनाओं का प्रमुख थे हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि सरकार की वजह से उनको सीडीएस नहीं बनाया गया और एक लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रैंक में कहीं देखिए आप सीडीएस उनसे जूनियर और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के बंदे को आपने सीडीएस बना दिया, क्या ये सही था? आप लोग ही बताइए कि सेना ऐसे डिसिप्लिन से चलती है? सेना का दूसरा नाम ही अनुशासन है, जहां की हमेशा सीनियर की रिस्पेक्ट की जाती है, और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बना हुआ बंदा उसकी काबिलियत में किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश की मतलब थल सेना का सबसे बड़ा पद हुआ करता था सीडीएस से पहले, उसमें ऐसे ही पहुंच गए क्या वो? तो उनको आखिर वो हक क्यों नहीं दिया गया? तो ऐसा बोलना गलत है कि उन्होंने सीडीएस बन रहे थे इसलिए तब आवाज नहीं खोली, ये चीज गलत है। आदमी का जब भी जमीर जाग जाए आदमी को अपनी आवाज उठाते रहनी चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की राय कमेंट्स में जरूर देना। जय हिंद, जय भारत।